आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। अगले एक घंटे तक भारत की बात होगी। पहले आधे घंटे में हम आपको देश की सियासत से जुड़ी खबरें दिखाएंगे जो सीधे आपसे और आपके परिवार से ताल्लुक रखती हैं, और शाम 7:30 बजे हम आपको दिखाएंगे भारत की बात का स्पेशल सेगमेंट। शाम 7 बजे में पहली बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश को मोदी के मास्टर कार्ड की, दूसरी खबर दिखाएंगे बिहार में लालू यादव के फैमिली ड्रामे की, और तीसरी खबर पंजाब से जहां कांग्रेस के अपने ही कह रहे हैं कि पार्टी में अराजकता जैसे हालात हैं। और शाम 7:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट में जानिए कैसे दिल्ली से महाराष्ट्र तक ड्रग्स केस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारत की बात अगले एक घंटे तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाज से विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। मोदी ने आज सुबह सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजेस का तोहफा दिया, फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हजारों करोड़ों की योजनाओं का पिटारा खोल दिया। यानी चुनाव से पहले इन तोहफों से विपक्ष खासा परेशान है, खासकर समाजवादी पार्टी, क्योंकि मोदी के निशाने पर सीधे साइकिल है इस बार। काशी में पीएम मोदी के हाथ से रिमोट का बटन दबा और 5,000 करोड़ से ज्यादा के तोहफे खुल गए। सिद्धार्थनगर में मोदी ने बटन दबाया और यूपी को मिल गए 9 नए अस्पताल। सिद्धार्थनगर के अलावा एटा, हरदोई। यूपी में जनता की सेहत के लिए अस्पतालों का गिफ्ट देने के बाद योगी के साथ मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष की सेहत बिगाड़ने वाले निशाने लगाए। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। वैसे ये काम दशकों पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन हाल क्या है उसका वर्णन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 7 साल से लगातार सुधार कर रहे हैं। साइकिल पर हमले हुए तो 2022 में साइकिल चलने की भविष्यवाणी कर रहे अखिलेश यादव जवाब देने आ गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कपट धोखे छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पिछले 4 महीने में पीएम मोदी 6 बार यूपी के दौरे पर आए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज 5,200 करोड़ का तोहफा दिया, तो सिद्धार्थनगर के 9 अस्पतालों के उद्घाटन कार्यक्रम में भगवान बुद्ध केंद्र में रहे। वैसे यूपी में 2 लाख से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। ओबीसी में शाके और मौर्य समाज के कुछ लोग बौद्ध धर्म की मान्यता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो सरयू घाट पहुंचे और साधु संतों के साथ सरयू नदी पर आरती की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली पंजाब की तरह यूपी में भी केजरीवाल ने मुफ्त वाले कई वादे किए। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर आगे बढ़ते हैं। लालू यादव 3.5 साल बाद बिहार पहुंचे तो परिवार में ही बवाल हो गया। पिता से मिलने के लिए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को धरना देना पड़ गया। वैसे धरने का द एंड भी रोचक ही था, क्योंकि लालू यादव जब बेटे को मनाने पहुंचे तो तेज प्रताप ने कार में ही लालू के पैर धोए। कार में बैठे हैं लालू प्रसाद यादव और कार की सीट पर बैठे बैठे उनके पैर धो रहे हैं लालू के बेटे तेज प्रताप यादव।
पिता लालू के पैर धोने के बाद कार में पीछे की सीट पर बैठी माँ राबड़ी देवी भी बेटे तेज प्रताप से बात करती है और फिर लालू यादव कार से बिना उतरे गाड़ी में आगे बढ़ गए। इसके बाद तेज प्रताप का ये बयान सुनिए। जो भी रोकने का कोशिश कर रहा है हमने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है, जो स्टैंड पर हम कायम रहेंगे और जो भी लोग थे उनको आज गाल पे बहुत बड़ा चाटा लगा होगा। ये तस्वीरें सड़क पर आए लालू परिवार के झगड़े का सबूत है। दरअसल हुआ कुछ यूं, तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पिता लालू यादव से ही मिलने नहीं दिया जा रहा है। राबड़ी देवी के आवास से पहले उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद पिता से मिलने की मांग पर तेज प्रताप समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। खूब नारेबाजी हुई। और बाद में इस तरह पिता के पैर धोकर ही माने। भाइयों के झगड़े पर परिवार का क्या कहना है ये भी सुनिए। कोई नाराजगी कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है, दोनों हमारे बेटे हैं, सब ठीक। कल रात में भी जिस तरीके की तस्वीरें आई कि तेज प्रताप देर रात तक धरने पर बैठे रहे, फिर लालू जी के आने के बाद कोई एजेंडा होना चाहिए। जनहित के बारे में अगर कुछ सवाल है तो आप पूछें, हम जरूर उसका जवाब देंगे। बड़ा सवाल है दोनों भाइयों के बीच। भाई तेजस्वी और पिता लालू कुछ भी कहें, तेज प्रताप तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को निकलवाने पर अड़े हैं। खुशी का इतना बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था, सबको एक होना था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमको बेइज्जती किया गया। वहाँ एयरपोर्ट पे भी हमको जगदानंद सिंह ने ठेलने का काम किया, सब लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से हाथ से हटो 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 हटो, सबको ठेलने का काम किया। ये कह रहा भैया, ये तुम आरएसएस वाले हो, जब तक तुमको हम पार्टी से निकालेंगे नहीं, जब तक आपको हम पार्टी से संगठन से जब तक बाहर नहीं करवाएंगे तब तक हमको आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। जगदानंद सिंह से झगड़ा एक मुद्दा है, असल में लालू के दोनों बेटों में लड़ाई वर्चस्व की है। लालू ने अपनी सियासी विरासत की जिम्मेदारी हमेशा तेजस्वी को दी और तेज प्रताप को लंबे समय से ये रास नहीं आ रहा और अब झगड़ा घर की दीवार के बाहर आ गया है। और आगे बढ़ते हैं भारत की बात में। अगली खबर चुनावी राज्य पंजाब से, जहां कांग्रेस की कल है खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा झगड़ा कांग्रेस के हरीश रावत और मनीष तिवारी के बीच है। मनीष तिवारी बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अभी पंजाब से सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में तो नेता बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा चालू है, अब जुबानी जंग मनीष तिवारी और हरीश रावत के बीच है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी का ये बयान जरा देखिए। हरीश रावत जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने 40 सालों में पंजाब कांग्रेस में ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी। पार्टी के अध्यक्ष की प्रदेश अध्यक्ष खुली अनदेखी कर रहे हैं, बच्चों की तरह एक दूसरे पर नेता आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सब देखकर पंजाब की जनता दुखी नहीं होगी? मनीष तिवारी का ये बयान हरीश रावत के खिलाफ था। हरीश रावत जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में पार्टी प्रभारी थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मनीष तिवारी को पंजाब की जमीनी हकीकत पता नहीं है। अब मनीष तिवारी ने हमला बोला तो रावत का ये बयान सामने आया। मिल करके एक विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जमीनी स्थितियां बहुत बदल चुकी है, मगर अपनी अपनी सोच रखने की आज़ादी है। मगर अच्छा होता कि ऐसे मौके पर इस तरीके के कमेंट देने से बचा जाता। पंजाब कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सिद्धू का इस्तीफा देना और वापस लेना, चन्नी से सिद्धू का झगड़ा और अमरिंदर की बगावत। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में मतभेदों का ये खोट वोट की चोट जरूर पहुंचाएगा। तो खुद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ऐसी अराजकता तो देखी नहीं जैसी पंजाब में है। विवादित बयानों का पिटारा भी खूब खुल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ही सुनिए आप, जिन्होंने एक मंच से ये कह दिया कि जो बीजेपी को वोट देगा वो लोग नहीं देंगे जो आतंकवाद के समर्थक है। यूपी चुनाव में पीएम मोदी विकास की बात कर रहे हैं। जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया।
सीएम योगी जनता की भलाई के मुद्दे पेश कर रहे हैं। हर घर को शौचालय देने की कार्रवाई आगे बढ़ी और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती भी गई। लेकिन यूपी के एक मंत्री विधानसभा चुनाव में मत के लिए एक नया ही मुद्दा ले आए। बोले, जो आतंकवाद के समर्थक हैं, वो नहीं देंगे बीजेपी को वोट। अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने पाल समाज समारोह किया था। मंच पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे और यहां जोश में दिख रहे यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जब मंच से उतरे तो ये विवादित बयान जनता के सामने उतार दिया। अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर होगा। राष्ट्रभक्त पार्टियां, राष्ट्रभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा हमसे निवेदन भी है। और जानिए कौन है कपिल देव अग्रवाल। कपिल देव यूपी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री है। मुजफ्फरनगर से लगातार दो बार के विधायक है। 2020 में अपने भाई ललित अग्रवाल की विज्ञापन कंपनी के प्रचार में नाम उछला था। मंत्री जी के भाई की कंपनी ने मोबाइल प्रचार में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी लगाई थी, जिस पर विवाद हुआ था। तब विवाद होने पर कपिल देव अग्रवाल की कुर्सी तक खतरे में आ गई थी। लेकिन अब मंत्री जी आतंकवाद और राष्ट्रवाद पर देश के वोटरों का नया वर्गीकरण करके विवाद में आ गए हैं। ABP News, आपको रखे आगे।